बोर्ड के पास खड़ी संध्या नोटिस पढ़ रही थी। तभी राजन पीछे से आया और उसकी आंखों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। संध्या को समझ नहीं आ रहा था कि इस कॉलेज में उसे कौन जानता है, क्योंकि आज तो इस कॉलेज में उसका पहला दिन है। कौन कौन है? गेस करना, कौन है? मुझे नहीं पता। स्टूपिड, मैं हूँ राजन। ये कहकर उसने उसकी आंखों से अपना हाथ हटा लिया। संध्या पीछे मुड़ी। उसने उस लड़के को कभी नहीं देखा था। और सबसे बड़ी बात कि संध्या के पीछे मुड़ने के बाद राजन ने जब उसका चेहरा देखा तो वो भी चौंक सा गया कि उसमें क्या मैं आपको जानती हूँ। संध्या की बात का जवाब राजन ने थोड़ा झिझकते और मुस्कुराते हुए दिया। सॉरी, वो मुझे लगा कि आप मेरी दोस्त नेहा हो। एक्चुअली पीछे से आप बिल्कुल नेहा की तरह लग रही थी। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, जो भी हुआ कन्फ्यूजन में हुआ। अरे बाबा, मैंने कहा ना इट्स ओके। थैंक्स। बाय द वे, आप कॉलेज में नहीं है क्या? हाँ, कुछ दिनों पहले मेरे पापा का ट्रांसफर यहाँ हुआ है। सो आई एम न्यू इन दिस सिटी एंड आल्सो इन द कॉलेज। नो वरीज, मैं घुमाऊंगा आपको ये शहर और ये कॉलेज भी। संध्या ने थोड़ा शॉक्ड होकर पूछा। देखिए, आप इस शहर में और इस कॉलेज में नहीं है, और मेरा जन्म तो इसी शहर में हुआ है। इस नाते आप मेरी मेहमान हुई, और हमारे यहाँ मेहमान का दर्जा क्या होता है ये आपको पता ही है ना। राजन की बात पर संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, काफी इंटरेस्टिंग बातें करते हो तुम। मैं लड़का भी बहुत इंटरेस्टिंग हूँ। आप एक बार मुझ में इंटरेस्ट, मुझसे दोस्ती करके तो देखिए। ये कहकर राजन ने अपना हाथ संध्या की तरफ बढ़ाया। संध्या ने उसकी तरफ एक बार फिर से मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बहुत फास्ट हो तुम। आपको कैसे पता मैं फास्ट बोलर हूँ? राजन की इस बात पर संध्या उसे घूर कर देखने लगी। तब राजन ने कहा, सॉरी, जस्ट जोकिंग। अपनी पहली मुलाकात में ही राजन ने संध्या के दिल में जगह बना ली थी, और ये जगह बतौर दोस्त की तरह कम, एक प्रेमी की तरह ज्यादा थी। मिलने के एक सप्ताह के अंदर दोनों में प्रेम का इजहार हो गया, और जैसा कि टीनेज में होता है, प्रेम सारी सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार रहता है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। ओए, इतनी रात को फोन क्यों किया? तेरी याद आ रही थी यार। लेकिन मुझे तो नींद आ रही है। संध्या ने जमाई लेते हुए ये बात कही। उसकी बातों को सुनकर राजन ने हल्के प्यार भरे गुस्से से कहा, ओके सो जाओ, सॉरी तुम्हें इतनी रात को परेशान किया। ओए, सॉरी की बत्ती बना ले, समझा? इतना ज्यादा भाव मत खाया कर, मैं भी तेरे फोन का वेट कर रही थी, तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा था। तो वीडियो कॉल करना। संध्या ने वीडियो कॉल की। नाइट ड्रेस पे वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। यार, सरकार को तुम्हें देखने पर टैक्स लगा देना चाहिए, अच्छी कमाई हो जाएगी। गजब की खूबसूरत हो तुम संध्या। ओए, ज्यादा मस्का मत मार यार। सुनना, अपनी कुछ पिक भेजना। ओए, देख तो रहा है ना, फिर पिक की क्या जरूरत है? भाव मत खा और पिक भेज। और हाँ, थोड़े स्पेशल वाले भेजियो। ओए, ये स्पेशल वाला क्या होता है? उसकी बातों को सुनकर राजन मुस्कुराने लगा और बोला, जिसको देख के मैं चार्ज हो जाऊं, खुले बालों में, गोरे गालों में। ये सुनकर संध्या शर्मा गई। कुछ दिनों के बाद की बात है, वो दोनों कॉलेज की कैंटीन में लंच कर रहे थे, तभी राजन ने कहा, संध्या तू संडे को क्या कर रही है? कुछ खास तो नहीं, पापा घर पर होंगे तो शायद हम लोग बुआ जी के यहाँ चले जाएं। वो क्या है ना, फूफा जी थोड़े बीमार चल रहे हैं। ओए, तू क्या डॉक्टर है जो फूफा जी का इलाज करने जाएगी? क्या बात है, कोई प्लान है क्या तेरा? सुन ना, इसको चले, एकदम मस्त इसको है। वो बोले तो फुल टू आजादी होती है वहाँ, खाओ पियो नाचो गाओ जो मर्जी है करो, वहाँ सब अपनी उम्र के लोग होते हैं, तू चलना मजा आएगा। पापा को क्या कहूँगी? कह दियो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिस्को जा रही हूँ। राजन, वो ये भी मैं बताऊँ, कुछ भी बहाना कर लियो, तबीयत खराब का ही बहाना कर लियो। डिस्को थे कि तेज ध्वनि में सारे लोग एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले थिरक रहे थे। ज्यादातर लोगों ने हल्की शराब भी पी रखी थी। संध्या और राजन एक दूसरे में खोए हुए थे। ये की क्या तू? अरे नहीं, कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, इतने लोगों ने तो पी रखी है। मेरा मतलब था कि तुम नशे में मेरा गलत फायदा तो नहीं उठा लोगे? चल कैंसिल कर पीना, मैंने बेकार ही तुझे यहाँ आने को कहा, तू फूफा जी के यहीं चली जाती तो अच्छा रहता। राजन ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि उसने देखा कि संध्या डिस्कोथेक के बाहर से हाथों में ड्रिंक लिए उसकी तरफ आ रही है। उसे देखकर राजन की आंखों में शैतानी मुस्कान आ गई। तू बहुत प्यार करती है ना मेरे से? शक है क्या? दोनों ने पीना शुरू कर दिया, और पीने का सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक उन दोनों ने खुद नहीं खो दिया। मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ।